हेलो एवरीवन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इन दिस वीडियो लेक्चर इज वेक्टर स्पेस मॉडल। प्रीवियसली हमने देखा बूलियन रिट्रीवल मॉडल, और उसमें क्या होता था कि जो भी यूजर की क्वेरी होती है उसको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के कंटेंट से मैच किया जाता था, और यदि वो एग्जैक्ट मैच होता है देन ओनली दैट डॉक्यूमेंट विल बी रिट्राइव्ड इन रिट्रीवल सेट। ओके, अब चलिए देखते हैं कि वेक्टर स्पेस मॉडल में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट और उसकी क्वेरी है, उसको एक टी डायमेंशनल वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, वेयर टी इज द नंबर ऑफ इंडेक्स। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर टर्म्स इट कैन बी एनी वर्ड्स, इट कैन बी एनी स्टेम वर्ड, और इट कैन बी एनी फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट है और तीन डॉक्यूमेंट में हमें कुल मिला के 10 टर्म्स मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो क्वेरी है और या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको 10 डायमेंशनल वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सपोज कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, और ओवर हियर डॉक्यूमेंट इज डी आई। ओके, सो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी आई इक्वल्स टू डी आई वन कॉमा डी आई टू एंड अप टू द लास्ट टर्म। ओके, यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, जितने इंडेक्स टर्म्स है। ओके, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, द वेट ऑफ द jth टर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी टर्म है, लेट्स से कि यहाँ पर x है। ओके, सो x टर्म की वेटेज क्या है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी। ओके, अब वेटेज है वो बहुत वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उस कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज वन एग्जाम्पल, लाइक ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो डॉक्यूमेंट D1 में कितनी बार आता है। फॉर एग्जाम्पल यदि वो 2 टाइम्स आता है, ओके, इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, देन इट्स वेटेज विल बिकम 2। ओके, यहाँ पर कोई दूसरी टर्म है, लेट्स से Y, वो कितनी बार आती है इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, लेट्स से 3। सो यहाँ पर उसकी वेटेज कितनी हो गई, 3। कुछ ऐसे भी टर्म्स मिलेगी जो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में होगी ही नहीं, तो उसकी वेटेज क्या हो जाएगी, 0। ओके, सो इस तरह से इट इज जस्ट एग्जाम्पल कि वेटेज इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेरी क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ऑफ टी वेट्स। सेम जिस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया उसी तरह से हम क्वेरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर क्वेरी का वेटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई टर्म x है, ओके, कोई टर्म x है, वो क्वेरी में प्रेजेंट है या नहीं है, यदि है तो उसकी वेटेज, फॉर एग्जाम्पल क्वेरी में वो एक बार रिपीट होती है तो उसका वेटेज हो गया 1। कोई टर्म है जो लेट्स से कि y, वो 2 बार रिपीट होती है तो उसका वेटेज हो गया 2। ऐसे बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर आपको मिलेगी जो क्वेरी में प्रेजेंट ही नहीं होगी तो उसका वेटेज हो जाएगा 0। ओके, जनरली ये जो है वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी होती है, वो यदि आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कुछ पूछा जा सकता है या फिर कुछ एग्जाम्पल है तो उसमें वो गिवन होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, वेयर क्यू जे इज द वेट ऑफ द jth टर्म इन द क्वेरी। ओके, जैसा कि मैंने आपको समझाया, अ डॉक्यूमेंट कलेक्शन कंटेनिंग n डॉक्यूमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ टर्म वेट। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पर क्या है, टर्म्स और यहाँ पर डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये जो है कॉलम रिप्रेजेंट करता है टर्म वेट को, और यहाँ पर जो रो है, ओके, वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट को। ओके, सो ये फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर टर्म इस डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, या फिर उसकी वेट कितनी है, यदि है तो उसकी वेट मेंशन की होगी, यदि नहीं है तो उसकी वेट 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक्स, ओके, और ये डॉक 1 में प्रेजेंट है, ओके, तो उसकी वेटेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वेट है हमें मिलती है 1, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, आफ्टर दैट टर्म 2 के लिए हमें वेटेज मिलती है, लेट्स से 2, यहाँ पर किसी वेट के लिए हमें मिलती है 0, किसी के लिए 0.5, ओके, इट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, एंड यहाँ पर लेट्स से कि 3। सो इस तरह से हम ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ द टर्म वेट्स आर सिंपली द काउंट ऑफ
टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट। ओके, यहां पर जैसा कि मैंने बोला कि वेट किसको कहा जाता है, जो नंबर ऑफ इसकी अकरेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट से कि एक्स टर्म है वो डॉक्यूमेंट वन में तीन बार रिपीट होती है, तो उसकी वेटेज हो गई तीन। ओके, अब इस कैलकुलेशन में स्टॉपवर्ड्स आर नॉट इंडेक्स्ड इन दिस एग्जाम्पल। ओके, एंड जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको स्टैम उस पर स्टैमिंग परफॉर्म किया जाता है, और उसके बाद जो स्टैम जो रूट वर्ड होता है उस पर ये वेटेज कैलकुलेट किए जाती है। ओके, यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इमेज में आपको टोटल चार डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पर उसके कुछ सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल D1 में है ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश। ओके, वो सब उसमें जो डेटा है वो यहाँ पर एक इमेज है, इसमें डॉक्यूमेंट्स चार डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और उसके कुछ डेटा है। ओके, D1 में क्या है, ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश, D2 में ट्रॉपिकल फिश एक्वेरियम कैर एंड टैंक सेटअप। ओके, सो ये जो है आपका कलेक्शन हो गया, कितने डॉक्यूमेंट है इसमें, D1, D2, D3 एंड D4। ओके, अब यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, उसको निकाला है। यहाँ पर क्या है, टर्म्स, और यहाँ पर देखिए यूनिक टर्म्स है। ओके, ये D1, D2, D3, D4 में जितनी भी यूनिक टर्म्स हमें मिलती है ये उसकी इंडेक्स है, और यहाँ पर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वो प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्वेरियम, क्या वो डॉक्यूमेंट D1 में प्रेजेंट है, हाँ है तो, और कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार उसकी अपीयरेंस होती है, देखिए डॉक्यूमेंट D1 में वन टाइम, तो यहाँ पर आया उसका वेटेज हमें क्या मिलता है, वन। डॉक्यूमेंट D2 में प्रेजेंट है, हाँ है, सो यहाँ पर उसकी वेटेज हो गई वन, बिकॉज वो एक टाइम ही प्रेजेंट है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट D3 में यहाँ पर भी है, सो उसकी भी वेटेज वन। D4 यहाँ पर भी है, सो उसकी वेटेज हो गई वन। ओके, आफ्टर दैट ये देखिए बाउल, तो बाउल है वो डॉक्यूमेंट D1 में भी प्रेजेंट नहीं है, D2 में भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, आफ्टर दैट D3 में वो प्रेजेंट है, एंड आफ्टर दैट D4 में वो नहीं है, दैट इज वाई ओवर हियर वी गेट वैक्टर लाइक 0, 0, 1, 0। ओके, बिकॉज D3 में ही वो सिर्फ प्रेजेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए फिश के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, D1 में वो कितनी बार अपियर होती है, ओनली वन टाइम, सो यहाँ पर वन। आफ्टर दैट D2 के लिए चेक करें, D2 में भी वन टाइम, सो वी गॉट ओवर हियर वन। आफ्टर दैट D3 के लिए हम चेक करेंगे, D3 में हमें कितनी बार मिलता है, ओके हमें यहाँ पर नहीं, इट्स फॉर D2 ओवर हियर। अब D3 के लिए यहाँ पर भी फिश है और यहाँ पर भी फिश है, सो टोटल टू टाइम्स D3 में फिश टर्म है वो अपीयरेंस होती है, दैट इज वाई यहाँ पर हमें उसकी वेटेज क्या मिलती है, टू। ओके, एंड D4 में अगेन वन। सो इस तरह से हमने इस वेक्टर को, इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया है, उसकी वेटेज हमने कैलकुलेट कर दी है। अब देखिए जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट और क्वेरी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और वहां पर वेक्टर की साइज क्या होती है, टी डायमेंशनल होता है। ओके, टी डायमेंशनल, एंड ओवर हियर टी इज व्हाट, इट इज इन नंबर ऑफ टर्म्स इन पर्टिकुलर कलेक्शन। तो देखिए यहां पर हमें कितनी टर्म्स मिलती है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, सो यहां पर हमारा टी क्या हो गया, टी इक्वल टू 11। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो डॉक्यूमेंट और क्वेरी है जिसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी साइज क्या हो गई, 11 डायमेंशन। क्या हो गई, 11 डायमेंशन, क्यों, बिकॉज यहाँ पर टोटल हमें जो यूनिक टर्म्स मिलती है वो 11 है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सी है, एक्वेरियम। ओके, अब क्या एक्वेरियम D1 में प्रेजेंट है, हाँ है। आफ्टर दैट बाउल, यस और नो, यहाँ पर किसके लिए है, ओके हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, किसके लिए, डॉक्यूमेंट D3 के लिए हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट D3, देखिए ये जो पूरी की पूरी हमें कॉलम मिलती है वही हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, हम जब ये मैट्रिक्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हमने हॉरिजेंटली किया था, जब हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो जब
सिर्फ इसी कॉलम को हम रो में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये बन गया हमारा वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर है वो कितना डायमेंशनल है, 11 डायमेंशनल, बिकॉज यहाँ पर हर जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वेट मेजर करता है। ओके देखिए 110 110, सिंपल आपको ये जो कॉलम आपको मिलते हैं उसी को ले लेना है। तो हमें इसका डॉक्यूमेंट D3 के लिए हमने उसका वेक्टर फाइंड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने बोला था कि हम डॉक्यूमेंट और क्वेरी दोनों को ही वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सपोज कि हमारी क्वेरी क्या है, ट्रॉपिकल फिश। ओके क्या है हमारी क्वेरी, ट्रॉपिकल फिश। अब देखिए डॉक्यूमेंट और क्वेरी दोनों को ही हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसकी साइज क्या है, टी डायमेंशनल, वेयर टी इज द नंबर ऑफ यूनिक टर्म्स। और यहाँ पर ऐसे कितनी टर्म्स मिलती है आपको, 11। सो क्वेरी के लिए जब आप इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका भी डायमेंशन वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो वेटेज होगी वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये जो पहली वाली जो टर्म है, ओके वो क्या है, यहाँ पर एक्वेरियम, क्या है एक्वेरियम, इज एक्वेरियम प्रेजेंट इन क्वेरी, एक्वेरियम मिलती है आपको, नहीं। अब यहाँ पर और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी हमें टर्म्स मिलती है हमने उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है। ओके सो इस तरह से आपको यहाँ पर उसकी जो वेटेज है वो पुट करनी है। आफ्टर दैट बाउल, इज दिस प्रेजेंट इन क्वेरी, जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर टर्म प्रेजेंट है या नहीं है या फिर है तो कितनी बार है उस हिसाब से आप वेट कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हमें क्वेरी में भी करना है। ओके सिर्फ याद इतना रखना है कि उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। ओके सो क्वेरी आफ्टर दैट सेकंड वर्ड इज बाउल, वो भी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज जीरो ओवर हियर। आफ्टर दैट केयर, वो भी नहीं है, फिश है, देखिए फिश यहाँ पर आपको एक बार प्रेजेंट है क्वेरी में, दैट इज व्हाई यहाँ पर जो फिश के लिए जो इंडेक्सिंग है यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है 1। देखिए ये जीरो या ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके सो यहाँ पर एग्जैक्ट फोर्थ टर्म पे ही आपको 1 मार्क करना है, ऐसा नहीं है कि चलो आप यहाँ कहीं भी ले ले फिश को और उसके लिए यहाँ पर 1 प्रेजेंट कर दे। ओके आपको ऑर्डर मेंटेन करनी होगी, जिस तरह से आपने यहाँ पर किया था उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर भी करना है। आफ्टर दैट फ्रेश वाटर भी नहीं है, गोल्ड फिश नहीं, होम पेज नहीं, कीप, ये सब हम क्वेरी के लिए अब देख रहे हैं। ओके ट्रॉपिकल फिश। अब आपको लास्ट में जो वर्ड है सिर्फ वही एक क्वेरी में प्रेजेंट होगा, ओके दैट इज ट्रॉपिकल। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स है वहां पर हमने क्या मार्क किया है, 1। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से वेक्टर जनरेट किया जाता है। ओके सबसे पहले आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप, आपका जो डेटा है जो कलेक्शन है उसमें से आपको यूनिक टर्म निकालनी है। आफ्टर दैट स्टॉपिंग वर्ड को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल देखिए एंड, इन, वो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर नहीं है। ओके सो आफ्टर दैट इस टर्म को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके एक आपको मैट्रिक्स बनाना है हर डॉक्यूमेंट के लिए। ओके और यहाँ पर जो भी वर्ड है जो भी इंडेक्स है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट अपियर होता है या नहीं होता है, यदि होता है तो वो कितनी बार होता है, वो आपका वेट बन जाता है। ओके वो वेट बन जाता है पर्टिकुलर टर्म के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स में। ओके और आफ्टर दैट हमें जो डॉक्यूमेंट है और क्वेरी है दोनों को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर की साइज क्या होगी, जितने हमें यहाँ पर यूनिक टर्म्स मिलते हैं। ओके आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको जो ये कॉलम मिलती है जैसे भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए उसको आप यहाँ पर उसका रो में रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर ले तो वो हो गया आपका वेक्टर। ओके सिमिलरली क्वेरी के लिए भी आपको सेम डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर इस जो भी हमें वेक्टर्स मिलते हैं उसको हमने यहाँ पर उसको डायमेंशंस में रिप्रेजेंट किया है। ओके गिवन रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट कुड बी रैंक्ड बाय कंप्यूटिंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द क्वेरी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राफ में हमने डॉक्यूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया है, डॉक 1 2 3। ओके इस तरह से
आफ्टर दैट हमने क्वेरी को भी रिप्रेजेंट किया है और टर्म्स को भी रिप्रेजेंट किया है. अब हमें किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रैंक किस तरह से मिल सकता है, बाय कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेरी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल वन ये डॉक्यूमेंट है, ये भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं और ये है आपकी क्वेरी. ओके, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके, क्वेरी और डॉक्यूमेंट वन के बीच में जो डिस्टेंस है और क्वेरी और डॉक्यूमेंट टू के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमें उसकी रैंक का रैंक की कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, सो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ गया कि किस तरह से हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करें. आपको पता होगा कि साइन, कॉस, टेंजेंट्स, दिस ऑल आर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विच इज यूज टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ पर जो कैलकुलेट करने के लिए जो यूज होने वाला है वो है कॉस फंक्शन. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट विद द हाइएस्ट स्कोर आर द मोस्ट सिमिलर टू क्वेरी. यहाँ पर हमें जो डिफरेंट जो डिस्टेंस कैलकुलेट हम करेंगे उसका जो आंसर है उसमें जो हमारा हाइएस्ट स्कोर जिसमें होगा वो क्या होगा, वो मोस्ट सिमिलर टू द क्वेरी. दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर क्वेरी के लिए मोस्ट सिमिलर है, दैट मीन्स इट इज हाईली रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर क्वेरी. ओके, सो चलिए हम उसका उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, कोसाइन फंक्शन. ओके, जैसा कि मैंने बोला, सो यहाँ पर जो कोसाइन रिलेशन इट मेजर द एंगल बिटवीन द क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट वैक्टर्स. When the vector are normalized so that all documents and queries are represented by a vector of equal length, the cosine of angle between two identical vector will be 1. That means angle is 0, and for two vectors that do not share any non-zero terms, the cosine will be 0. So cosine measure is defined as, okay, so ye aapka formula hai. अब आप देखिए, जब आप देखते हैं तो ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देखिए ये जो साइन है वो तो समेशन की है. ओके, आपको पता है यहाँ पर देखिए जे कहाँ से इनिशिएट किया गया है, जे इक्वल टू वन टू अप टू टी. सिमिलरली यहाँ पर भी समेशन इसी तरह से है. अब आपको टी की वैल्यू तो पता है, टी दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिक टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस केस इट वॉज 11, सो यहाँ पर टोटल 1 टू अप टू 11 तक जाना है. आफ्टर दैट वॉट इज डी आई जे, डी फॉर डॉक्यूमेंट. ओके, सो जो टर्म फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म की वेटेज इन द डॉक्यूमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसी फर्स्ट टर्म की वेटेज इन द क्वेरी. ओके, सो यहाँ पर जस्ट आप सिंपली जो क्वेरी में जो वेट मिलती है और उसी टर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट में जो वेट मिलती है उसका मल्टीप्लिकेशन है. ओके, अब नीचे डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा है, सिमिलर वही थिंग है लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड अल्टीमेटली इट इज समेशन. ओके, सो यहाँ पर चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट्स है, D1 एंड D2, और यहाँ पर देखिए आपको इसका साइज कितनी है कि थ्री डायमेंशन है, 1, 2 एंड 3, थ्री डायमेंशन वेक्टर है. दैट मीन्स यहाँ पर कितनी यूनिक टर्म्स है डॉक्यूमेंट D1 एंड D2 में, टोटल 3 यूनिक टर्म्स होगी, तभी तो यहाँ पर उसकी वेक्टर कितनी मिलती है, 3 की. ओके, और यहाँ पर उसका क्या है, वेटेज आपको मिला है. ओके, यहाँ पर जो वेटेज का जो नंबरिंग है, ओके, उसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैडम किसी टर्म्स 0.3 बार किस तरह से अपीयरन हो सकता है. ओके, वो अभी आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए, आप जस्ट इसको मेथडोलॉजी को सीखिए. ओके, इट माइट बी पॉसिबल दैट यहाँ पर वेक्टर कुछ अलग स्पेसिफिकेशन, कुछ अलग पैरामीटर को कंसिडर करके उसको कैलकुलेट किया गया हो. आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट D2 में भी उसी टर्म के लिए यहाँ पर उसकी वेटिंग जो है, वेटेज जो है वो दिखाई गई है. आफ्टर दैट यहाँ पर क्वेरी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है. ओके, और यहाँ पर भी टोटल उसकी साइज कितनी है, 3. लेट्स से कि ये हमारा x है,
ये y टर्म है और ये z, ओके. सो सिमिलरली d1 d2 के लिए भी यही टर्म होगी, ये x, ये y और ये z, ओके. अब देखिए यहां पर उसकी प्रोसीजर है किस तरह से रैंक कैलकुलेट करते हैं. देखिए टोटल कितनी बार है. अब यहां पर देखिए ये ओके, वो हम लास्ट में देखेंगे. फर्स्ट कहां से शुरू हुआ था, टोटल यहां पर कितने टर्म्स है, 3. तो अब आपका ये जो समेशन था, वो समेशन में आपका जे है, जे इक्वल टू 1 से लेकर कितनी बार, कहां तक जाएगा, 3 तक, ओके. और समेशन हम किसका कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ jth टर्म इन डॉक्यूमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ jth टर्म इन क्वेरी. तो यहां पर d1 का जो पहला वेट है दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय क्वेरी का जो पहला वेट है दैट इज 1.5. तो देखिए यहां पर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स का टर्म है d1 का, ओके. और ये है हमारा क्वेरी का, ओके. ये हमारा हो गया क्वेरी, ओके. सिमिलरली ये जो है वो सेकंड. अब देखिए यहां पर कोसाइन क्या है, d1, q. दैट मीन्स अब पहले हम डॉक्यूमेंट d1 और q उसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट d1 एंड q, ओके. सो यहां पर सिर्फ d1 की टर्म को ही हम इंक्लूड करेंगे. सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स समेशन. सो यहां पर प्लस, आफ्टर दैट सेकंड टर्म. सो सेकंड टर्म के लिए d1 में क्या है वेटेज, 0.8, और क्वेरी में क्या है, 1. सो देखिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1, आफ्टर दैट प्लस d1 के डॉक्यूमेंट 3 का जो इंडेक्स 3 है उसकी वेट क्या है टर्म की, 0.3, और d2 और क्वेरी में क्या है, क्वेरी में टर्म्स क्या है, 0. सो यहां पर अल्टीमेटली 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0. सो अल्टीमेटली ये टर्म क्या हो जाती है, 0. दैट इज वाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर, ओके. इट इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पज कि क्यों यहां पर तीसरी टर्म नहीं आई, बिकॉज यहां पर जो क्वेरी में जो इंडेक्स है वो 0 है, ओके. सो यहां पर उसकी वेटेज कितनी भी होगी, यदि क्वेरी में प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर वो टर्म है वो 0 होगी. सिमिलरली नीचे डिनोमिनेशन में भी यही केस होगा, ओके. अब आफ्टर दैट नीचे क्या है, 0.5 प्लस 0.8 प्लस 0.3, इन सब का स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर, ओके. आफ्टर दैट इट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, क्वेरीज की जो वेटेज है उसका स्क्वायर प्लस, देखिए 1.5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके. सो यहां पर ये जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स की टर्म का स्क्वायर करके समेशन किया गया है, ये जो है वो क्वेरी की जो वेट है उसका स्क्वायर करके समेशन परफॉर्म किया है. सो आपको फाइनल आंसर मिलता है इसका 0.87, ओके. आफ्टर दैट कोसाइन में, कोसाइन d2 और q. अब हम डॉक्यूमेंट d2 और जो क्वेरी है उसका डिस्टेंस निकालते हैं. तो देखिए यहां पर भी सिमिलर टर्म्स, लेकिन अब डॉक्यूमेंट d2 है, सो मल्टीप्लीकेशन भी उस हिसाब से होगी, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज अल्टीमेटली 0. सो दैट इज वाई ओवर हियर इट इज नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर, ओके. सो ये आपका ये हो गया. अब नीचे क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट d2 की जो भी वेटेज है उसका स्क्वायर करके उसका समेशन करना है. सो 0.9 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, तो ये हो गई आपकी, ये टर्म आपको मिल जाएगी, ओके. इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, जो क्वेरी की जो वेटेज है उसके स्क्वायर के, उसका स्क्वायर के समेशन के साथ. सो 0.1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये तीसरी टर्म तो 0 है, दैट इज वाई इट इज नॉट ओवर हियर. और इस तरह से आपको यहां पर उसकी रैंक क्या मिलती है, आपको स्कोरिंग क्या मिलती है, 0.97. सो कहां पर हमें हाई स्कोर मिलता है,
डॉक्यूमेंट डी टू के लिए कंपेयर टू डॉक्यूमेंट डी वन, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट डी टू इज मोर रिलेवेंट टू क्वेरी क्यू, ओके, एंड डी वन इज लेस रिलेवेंट टू क्वेरी क्यू कंपेयर टू डी टू. सो इस तरह से आप यूजिंग दिस कोसाइन फंक्शन आप उसकी रैंक है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जस्ट आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है. ओके, ओनली जस्ट समेशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दैट्स ऑल. ओके, इवन 11 12th की क्लास में भी यदि आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ओके, सिर्फ यहाँ पर उसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में सोचना है. अब यहाँ पर आप देखिए, यदि आप देखेंगे तो D2 की रैंक क्यों ज्यादा आई. देखिए, D2 में जो पहली टर्म है उसका वेटेज है वो सबसे ज्यादा है. ओके, इसकी वेक्टर में. और क्वेरी क्यू में भी जो पहली ही टर्म है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है. सो अल्टीमेटली जब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, सो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, सो ये हायर हो गया. ओके, जबकि यहाँ पर D1 में देखिए, उस यहाँ पर जो पहली टर्म है वो उसका हायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेरी में वो हायर रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो यहाँ पर इसकी वेटेज जो है, यहाँ पर इसकी वेटेज है वो कम हो जाएगी कंपेयर टू D2. ओके, सो दैट इज वाई स्कोर ओवर हियर इज हाई, और ये डॉक्यूमेंट D2 है वो ज्यादा रिलेट करता है क्वेरी के लिए. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट वेक्टर स्पेस मॉडल इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल.